हेलो एंड नमस्ते, सबको स्वागत है मुखर्जी होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका डॉक्टर अर्णब मुखर्जी। आज फिर से बात करेंगे खांसी के ऊपर और एक दवाई के बारे में। तो खांसी के ऊपर तो हमारा एक प्लेलिस्ट है, वो अगर आप अभी तक देखे नहीं है तो जरूर देखना। मैं हो सके तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो जरूर देखना। और खांसी अगर आपको घर में होगा तो किसी ना किसी दवाई आपको काम लग ही जाएगा। होम्योपैथी में बहुत सारे दवाइयाँ है खांसी के ऊपर, तो आपको सब वीडियो देख के आपको ठीक करना होगा कि आपका खांसी किस कैटेगरी में पड़ रहा है और क्या दवाइयाँ आपको लगेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो है जस्टिशिया अधटोडा। तो जस्टिशिया बासक से हम तैयार करते हैं हम लोग, और ये जो है ये बहुत ही खांसी के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। खास करके जो ड्राई होता है, सूखा खांसी होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और जो आपका जो ये सर्दी खांसी जब शुरू होता है एकदम अर्ली स्टेज में, एकदम शुरुआत में अगर आप जस्टिशिया देंगे तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट अपना करता है और खांसी को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। कभी कभी जो होता है कि गला एकदम से जैसे बैठ गया है और आपको खांसी मतलब चेस्ट में बहुत जैसे पेन सा हो रहा है, दर्द सा हो रहा है, आप खांसी बार बार खांसी हो रहा है, या फिर खांसते खांसते आपको खांसी के साथ छींक भी हो रहा है, स्नीजिंग भी हो रहा है आपके साथ, और कभी कभी तो सांस लेने में भी तकलीफ होता है और उसके साथ आपको खांसी होता है, चेस्ट जैसे लगता है कि टाइट जैसा हो गया है, या फिर ये सब होता है आपको गर्म किसी घर में अगर आप घुसे तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही होता है। और एस्थमाटिक जो अटैक है, एस्थमा के पेशेंट जो होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, वहाँ के उसके साथ खांसी अगर होगा तो भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ जो हो सकता है वो है आपके जो लॉस और टेस्ट सेंसेशन है, ये भी आपका थोड़ा सा कम हो जाता है कभी कभी। और ये सब देख के हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जस्टिशिया आपको दिया जा सकता है। जस्टिशिया आप मदर टिंचर में ले सकते हैं 6 बूंद करके, दिन में दो से तीन बार करके 3 दिन या फिर 4 दिन ले सकते हैं आप, या फिर आपका अगर बहुत सीवियर खांसी हो रहा है, शुरू हो गया है, तो इसके साथ तो आपको और भी मेडिसिन लेना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ज़रूर एक डॉक्टर का सलाह ले लेना चाहिए। नहीं तो आप घर में ये रख के थोड़ा सा ले सकते हैं ताकि आपका जो खांसी है वो शुरू में ही ठीक हो जाए या फिर ज़्यादा बढ़े ना। तो आज के लिए इतना ही। जस्टिशिया आप घर में रखिए और इसके इसको आप अपने सूखा खांसी पे या फिर जो जो सिम्टम हम बोले हैं उसमें आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करिए और इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा, और शेयर कर दीजिए आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी खांसी में थोड़ा बहुत इससे मदद मिल जाए। तो आप हमारे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर तो यहाँ पर दे देते हैं हम, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके हमारे साथ कंसल्टेशन भी ले सकते हैं किसी भी तकलीफ के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय होम्योपैथी, नमस्ते।